19वां दिन और कैसे जंग की ये तस्वीरें अपने आप में हालात बयां कर रही है। बद से बदतर होते जा रहे हैं हालात, दोनों तरफ से क्षति हुई है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, इन तमाम जगहों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इरपिन शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। चेर्निहिव में भी बर्बादी का मंजर देखा जा रहा है, खेरसन में प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और अस्पताल पहुंचे हैं राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की घायल सैनिकों का हाल जानने के लिए। और आज 19वां दिन है, लेकिन आपको दिखाते हैं कल यानी कि 18वें दिन की जंग की रिपोर्ट। रूसी हमले में यूक्रेन किस कदर बर्बाद हो रहा है उसे इन तस्वीरों में देख लीजिए। जंग के 18वें दिन कल रूस ने पोलैंड बॉर्डर से सटे यूक्रेन के मिलिट्री बेस यावोरीव को निशाना बनाया। तस्वीरें देखिए, रूसी मिसाइल हमले से यावोरीव किस तरह बर्बाद हो गया। यूक्रेनी सेना की ट्रेनिंग फैसिलिटी की बिल्डिंग ध्वस्त हो गई। रूस का दावा है कि उसके हमले में करीब 180 विदेशी भाड़े के सैनिक मारे गए, साथ ही बड़ी मात्रा में विदेश से मिले हथियार को भी नष्ट कर दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि रूस यूक्रेन में विदेशी भाड़े के सैनिकों पर हमला जारी रखेगा। उधर यूक्रेन के क्षेत्रीय गवर्नर के मुताबिक रूसी हमले में 35 लोग मारे गए जबकि 134 लोग जख्मी हुए। रूस यूक्रेन के सामरिक महत्व के ठिकानों पर लगातार हमले बोल रहा है। कल की तस्वीरें देखिए, इस वीडियो में रूसी सैनिक एक हवाई अड्डे पर कब्जा करते हुए नजर आ रहा है। रूस के सैन्य ऑपरेशन की लोकेशन नहीं बताई गई है, लेकिन ये पूरा ऑपरेशन कैमरे में कैद हो गया है। रूस के हवाई हमलों ने यूक्रेन के शहर तबाह कर दिए, खासकर जो शहर कीव के 50 से 60 किलोमीटर की रेंज में है, उनका हाल सबसे बुरा है। रूस के टैंक गलियों में घूम घूम कर टारगेट पर बमों की बारिश कर रहे हैं। माइकोल अवीव की ये तस्वीर रूस की हवाई हमलों की बानगी भर है। एक बार में 3 धमाके हुए। पार्किंग में खड़ी कारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ये रिहायशी इलाके हैं। और इस यूक्रेनियन आदमी से 10 मीटर की दूरी पर ही ये धमाका हुआ। ऐसा लग रहा था कि शायद कीव तक पहुंचना उनका असली मकसद हो, लेकिन क्या वो एक सप्लाई लाइन को काटने की भी कोशिश है, क्योंकि जो पश्चिमी सरहद से लगती हुए बाकी देश हैं उन्हीं रास्तों से और खासकर पोलैंड से, और पोलैंड से लगती हुई सीमा के पास ही ज्यादातर ये आक्रमण हुए हैं। उस सीमा से अधिकतर जो असलहा है, जो हथियार है और बाकी सप्लाईज हैं, यहाँ तक कि ह्यूमैनिटेरियन एड भी उसी सीमा से निकलकर इस ओर आ रहे हैं। चेर्निहिव को रूस ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। चेर्निहिव में हुए हवाई हमले के बाद फायर फाइटर्स इस बिल्डिंग में फंसे लोगों को निकालते रहे, पूरी बिल्डिंग तबाह हो गई। क्यू रीजन में पड़ने वाले शहर सबसे ज्यादा तबाह हुए हैं। इरपिन का भी हाल बुरा है। इरपिन में रूस ने सबसे बड़े हमले किए हैं। इस बीच इरपिन नदी पार करने की रूसी कोशिशों को नाकाम कर दिया गया। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेनी फौज ने इरपिन नदी पर बने पैंटून ब्रिज को नष्ट कर दिया। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 19वां दिन है। पिछले 18 दिनों में यूक्रेन भारी बर्बादी देख चुका है। रूसी हमले के बीच शांति की कुछ उम्मीदें भी बंधी हैं। आज रूस यूक्रेन में चौथे दौर की बैठक होने वाली है। हालांकि पिछले 3 दौर की बैठक बेनतीजा रही।
कीव से श्वेता सिंह और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो।